हम आपको क्रेमर नियम द्वारा तीन समीकरण हल करना क्रेमर नियम से सिखाएंगे। देखिए मान लो इस तरह का तीन समीकरण दिया हुआ है, आप देख लें जैसे a1x b1y plus c1 z equal to d1, a2x plus b2y plus c2 z equal to d2, a3x b3y c3 z equal to d3। इस तरह का ये समीकरण है, आप ये जान जाएंगे x का पहले x का गुणांक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। आपको क्रेमर नियम से तीन बातें d1 या dx या डेल्टा x, इसको या डेल्टा, हम ये सारी बातें कह सकते हैं d2 या dy या डेल्टा बाय d3 या d z या डेल्टा z, इस तरह हम इसको संबोधन करते हैं, चाहे d1 dx या डेल्टा x, तीनों एक ही बात है। ये वह सारी बातें निकाली होती हैं, तो x बराबर होता है d1 बटे d, y बराबर होता है d2 बटे d और z बराबर होता है d3 बटे d। d1 d2 के स्थान पर dx या डेल्टा x dy या d, डेल्टा वाई dz या डेल्टा z, ये प्रयुक्त हो सकता है। अब देखिए हम d1 d2 d3 या d को किस प्रकार निकालते हैं, तो उसके लिए एक हमारी ट्रिक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे d को ले लिया, d यहां लिख रहे हैं, d बराबर आपको लेना abc, abc। बात आती है d1 d2 d3, तो उसके लिए आपको लिखना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये एक ट्रिक है, आपने क्या लिखा, चूंकि तीन राशियां आपको लिखनी है तो आप विकर्ण में डी लिख लीजिए, विकर्ण में डी लिख लिया। अब चलते हैं ABCC, तो पहला क्रम हमारा हो गया ए, स्थान खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरा हो गया डी, तीसरा हो गया सी। तो यू विल फाइंड d1 d2 एंड d3 और d मैंने पहले से ही बता दिया। अब इसको लिखना किस तरह, ये तो हमारा एक ट्रिक हो गया याद करने, वैसे आप भूल जाएंगे। आप देख रहे हैं d1 में d पहले आया, जबकि d2 में a पहले आया, d3 में भी a पहले आया, किस क्रम को कैसे लिखना है, तो आप ये याद करेंगे 100% भूल जाएंगे। आपको एक ट्रिक समझनी है, विकर्ण में मैंने डी लिख लिया, स्टार्टिंग किया, सबसे पहला ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, जो जो खाली स्थान उस स्थान पर। अब इसको लिखें कैसे, सबसे पहले बात आती है डी, तो डी मैंने लिखा एबीसी, एबीसी का मतलब, ए का मतलब पहला गुणांक एक्स का, तो देखिए इसमें वन 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 पहला गुणांक है ए, देखिए ए का मतलब a1 a2 a3, b का मतलब b1 b2 b3, c का मतलब c1 c2 c3 और d का मतलब d1 d2 d3। तो देखिए पहले मैंने लिखा a, फिर b 1 2 1 और c 2 1 1, ये आपका हो गया d। हम लिखते हैं d1, d1 आपका देखिए कह रहा है dbc, तो dbc का मतलब d देखिए आपका कितना है 4 1 2, उसके बाद है d के बाद बी हमारा है 1 2 1 और सी का मान है 2 1 1। डीबीसी हो गया, बात करते हैं डी टू देखिए ए डी सी ए 1 1 1, उसके बाद आता है डी हमारा 4 1 2 और है सी का मान है आपका 2 1 1 2 1 1। आगे देखिए हम निकालते हैं डी थ्री में आपका प्रयुक्त हुआ ए बी डी ए 1 1 1, उसके बाद बी है 1 2 1 1 2 1 और तीसरा है आपका डी है 4 1 2। सभी के साढ़े निकाल लीजिए, साढ़े में बहुत ही सरल तरीका, सबसे पहले पहला अवयव लिखा, एक कोष्टक बनाया, माइनस दूसरा अवयव लिखा, एक कोष्टक बनाया, प्लस तीसरा अवयव एक कोष्टक बनाया, तीसरा अवयव 2 एक कोष्टक बनाया। इसी तरह इसमें करेंगे, पहला अवयव एक कोष्टक, माइनस दूसरा अवयव एक कोष्टक, प्लस तीसरा अवयव एक कोष्टक। इसी तरह इसमें करेंगे, पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव और प्लस तीसरा अवयव। इसी प्रकार इसमें करेंगे, पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव और प्लस तीसरा अवयव। अब सब में मान भर ले,
जब भी हम मान को कोष्टक के अंदर भरेंगे तो एक तरीका होता है राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। आप जिस पद में मान लिखते हैं उसको क्लोज कर लेते हैं। जैसे देखिए ये बल में हम उसको भरना है तो बल को आपने क्लोज कर लिया राइट टू लेफ्ट यानी बल इंटू टू। देखिए इनका इनका गुणा माइनस इनका इनका तो देखिए टू माइनस वन। जब आप इसको लिखते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है। देखिए ये बंद हो गया तो वन इंटू टू वन इंटू वन वन इंटू टू यानी एक हो गया। देखिए एक एक कन एक एक कन एक वन माइनस वन। जब हम इसमें लिखते हैं तो उसको बंद कर लेते हैं एक एक कन एक एक माइनस दो। इसी तरह इसमें देखिए पहले पद में लिखेंगे तो दो माइनस का वन। जब इसमें लिखेंगे तो एक माइनस दो। तीसरे में लिखेंगे तो एक माइनस चार। आगे देखिए जब इसमें लिखते हैं इसको बंद कर लिया एक माइनस दो। उसके बाद जब हम इसमें लिखेंगे तो एक माइनस एक। जब इसमें लिखेंगे तो दो माइनस एक। यहां देखिए जब हम तीसरे अवयव में लिखते हैं तो चार माइनस एक। इसमें लिखा तो दो माइनस एक और जब इसमें लिखा तो एक माइनस दो। अब आपको इनके आंसर निकालने। देखिए ये हो गया आपका एक बचा तो एक 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 यहां हो गया जीरो और ये हो गया माइनस वन। माइनस वन का मतलब माइनस टू तो फाइनली आपका माइनस वन आया। यहाँ देखिए यहाँ बचा एक तो चार, यहाँ बचा माइनस एक तो प्लस का एक हो गया, यहाँ बचा माइनस का थ्री तो माइनस का सिक्स हो गया। तो आप देखते हैं माइनस का वन बचा। यहाँ पर देखिए माइनस वन यहाँ जीरो हो गया और यहाँ हो गया प्लस का टू तो यहाँ पर आपने वन प्राप्त किया। और इसमें देखिए यहाँ आपका हो गया थ्री, ये देखिए आपका वन बचा तो माइनस वन, ये देखिए आपका माइनस वन बचा तो माइनस फोर हो गया। तो माइनस फोर माइनस फाइव तो आपका माइनस का टू। तो फाइनली आप देखिए इसके नीचे आता है एक्स जुकल। आपने मान है डी वन बटे डी, तो देखिए डी वन का मान हमारा माइनस वन है। माइनस वन ओवर माइनस वन इज इक्वल वन बाई जुकल डी टू ओवर डी। डी टू हमारा भी डी टू हमारा वन है तो वन ओवर माइनस वन क्योंकि हमारा डी माइनस वन है तो यू विल फाइंड माइनस वन। जेड इज इक्वल डी थ्री, डी थ्री हमारा माइनस टू ओवर माइनस वन तो मान आपका प्राप्त हुआ दो। अब आप चेक कर लीजिए किसी भी समीकरण में रख के, जैसे तीसरा समीकरण है तो इसमें रख दीजिएगा दो माइनस वन और प्लस का वन तो देखेंगे तीन में से एक गया दो दो बच रहा है। अगले मान में हम मान रख के देख लें, इसमें ऐसे रखा हमने पहले में तो पहला मान आपका एक है, दूसरा बाई का माइनस दो तो माइनस वन हो गया, प्लस टू जेड, जेड का मान तो प्लस फोर। देखिए आपका फोर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्रेमर नियम में हमको क्या करना होता, तीनों समीकरण को लिख लिया, उसका कंपेरिजन इस तरह है। हमारा जो ए है ये पहला पोर्शन ए होता है, जो बाई का गुणांक होता है वो बी होता है और जेड का गुणांक सी होता है और जो बराबर में मान दिए होते हैं वो होते हैं डी। तो आप देख रहे हैं इसके मिलने के लिए वैसे आप अलग अलग याद करेंगे, सीधा से एक सरल तरीका है कि डी या डेल्टा दोनों एक ही बातें हैं जिनको आपको ए बी सी लिखना है। ए का मतलब एक्स का गुणांक, बताओ तो हम यहाँ ए बी शो कर सकते हैं। ए आपका क्या है, ए है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बी है आपका बाई का गुणांक और देखिए सी है आपका जेड का गुणांक तथा डी है अचर पद, अचर पद। क्लियर? इस तरह हमने क्रेमर नियम सीखा। क्रेमर नियम पास एक सिंपल सा स्टेप है डी इज इक्वल ए बी सी एंड डी वन डी टू डी थ्री विकर्ण में डी ए बी सी। ठीक है, ओके।